हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी में कोरोना वायरस से बचने के लिए मंडी समिति ने लोगों को सैनिटाइज करने का नया तरीका इजाद किया है। मंडी समिति ने लाखों रुपए की लागत से सैनिटाइजर टनल बनाई है। इसके अंदर से मंडी के अंदर एंट्री करने वाले हर व्यक्ति को गुजरना होगा, जिससे वो सैनिटाइज होकर अपनी खरीदारी करें। मंडी के मुख्य द्वार पर लगाई गई ये टनल दिन भर में हजारों लोगों को सैनिटाइज कर सकती है। इसके लिए मंडी समिति ने सैनिटाइज दवा की पूरी व्यवस्था की है। वहीं SDM हल्द्वानी ने बताया कि वर्तमान में सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही सबसे बड़ी मंडी में है, इसलिए लोगों का सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो अन्य जगहों पर भी इस तरह की सैनिटाइजर टनल लगवाई जाएगी। हल्द्वानी सब्जी मंडी एक बड़े परिसर में स्थित है, बड़ा अच्छा स्वरूप है उसका, बहुत वेल इस्टेब्लिश है। उसके पास अपना ट्यूबवेल है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी किया है उन्होंने। उनको ये कहा गया है कि बहुत अच्छा होगा कि प्रवेश द्वार पर ही लोगों को सैनिटाइज करके अंदर जाने की अनुमति दें। सर, कितनी गाड़ियाँ जाएंगी, किस तरीके से होगा उसमें गाड़ियों आदि के संबंध में? हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय ने बैठक करके उनके यहाँ व्यवस्थाएं बनवाई हैं। आज पुनः एक बैठक प्रस्तावित है, उसमें सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर ली जाएंगी। गौरतलब है कि हल्द्वानी कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी है, लिहाजा थोक मंडी चालू रहने के बावजूद यहाँ सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंडी समिति ने शहर में बेहतर व्यवस्था देने के लिए इस सैनिटाइजर टनल को लगवाया है। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड की सभी 8 बड़ी मंडियों में इस तरह की टनल लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।